Hello students, myself Ashok Sharma and I welcome you all on this channel. Dear students, today I am going to discuss exercise 2.5 of chapter number 2, which is polynomials of class 9th maths and CRT book. ओके इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में जो आइडेंटिटीज अप्लाई होने वाली हैं उनको बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए ओके और इसके लिए आप एनसीईआरटी बुक से गो थ्रू हो जाइए जहाँ पर अलग अलग जगहों पर इन आइडेंटिटीज को मेंशन किया गया है ओके अगर आपको उनको ढूंढने में या समझने में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है तो मेरा दूसरा सजेशन ये है कि मेरी पिछली वीडियो जिसमें मैंने टाइटल दिया है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज फॉर सॉल्विंग द पॉलीनोमियल्स सभी आइडेंटिटीज को उनके बहुत अच्छे वे से डिटेल में डेरिवेशन के साथ और समझाया गया है कि आप कैसे उनको यूज करें तो आप वहां से भी देख सकते हैं ओके एंड नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 तो देखें इसमें क्या है हमारे को क्वेश्चन जो दिया गया है इसकी जो स्टेटमेंट है यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट सूटेबल यानी जो इन क्वेश्चन में सूट करती है ऐसी आइडेंटिटी आपको अप्लाई करना है इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए एंड आई एम स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट What is the second part? It is x plus 8 into x minus 10. In two brackets का आपने multiply करना है और identity के use से करना है. ओके तो सबसे पहला काम जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है उसको देख करके इमेजिन करें कि कौन सी आइडेंटिटी है जो क्वेश्चन की शेप से मैच करती है ताकि इसको यूज करके हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर पाए ठीक है तो आप देखिए क्वेश्चन में टू ब्रैकेट्स हैं अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो टू ब्रैकेट वाली हमारी या तो ए बी वाला आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी उसमें टू ब्रैकेट आती हैं या फिर x a एंड b तीन वेरिएबल्स को मिलाकर x प्लस ए x प्लस बी x प्लस ए x माइनस बी ऐसी आइडेंटिटी हैं तो उन्हीं में से अप्लाई करना है लेकिन वहाँ थोड़ी सी मिस्टेक होती है मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ अगर मान लीजिए x प्लस ए इंटू x माइनस बी जो कि किसके इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स एंड माइनस ए बी फर्स्ट आइडेंटिटी और सेकंड कौन है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन्हीं दोनों में से कोई एक आपने अप्लाई करना है अब आप देखिए कौन सी आइडेंटिटी दोनों में से क्वेश्चन के साथ में मैच करती है समझना ए बी वाली आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूं तो इनमें दोनों ही ब्रैकेट्स में फर्स्ट टर्म क्या है बेटा सेम ए ए सेम है सेकंड टर्म बी एंड बी वो भी सेम है इट मींस ये आइडेंटिटी आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब दोनों ब्रैकेट्स के नॉट ओनली फर्स्ट टर्म बल्कि सेकंड टर्म भी क्या है एग्जैक्टली सेम क्लियर अब आते हैं फर्स्ट के ऊपर इसमें क्या है दोनों ब्रैकेट्स में फर्स्ट टर्म क्या है एक्स दैट इज सेम ओके सेकंड टर्म पे आते हैं सेकंड टर्म्स क्या है यहां पर है बेटा ए और यहां कौन है बी दैट इज दे आर डिफरेंट यहां पर देखिए दोनों की फर्स्ट टर्म एक्स एंड एक्स सेम है दोनों की सेकंड टर्म दिस इज 8 एंड दिस इज माइनस 10 दैट इज दे आर डिफरेंट इट मींस क्या हुआ सेकंड Identity rejected. We have to apply identity number 1. Okay? ये दोनों में difference था कि कौन सी identity क्यों हमने use करनी है first वाली second वाली क्यों नहीं तो देखिए पहले लिखते हैं formula. Because we know that x plus a into x minus b it is equal to x square minus a minus b into x and minus a b. ये हमारी आइडेंटिटी है अब आइडेंटिटी को यूज कैसे करते हैं जो आइडेंटिटी के आपको वेरिएबल्स नजर आते हैं उनकी वैल्यूज को आपको पहचानना है अगर आप उनकी वैल्यूज को पहचान गए तो बस फिर तो वैल्यूज को पुट कर दें और सॉल्व कर दें बहुत इजी हो गया देखिए कैसे फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म कौन है एक्स एक्स के सामने हमारे क्वेश्चन में कौन है एक्स इटसेल्फ इट मींस क्या हो गया द वैल्यू ऑफ एक्स क्या है एक्स इटसेल्फ
ए, ए के सामने चेक करें कौन है, 8. वैल्यू ऑफ ए कौन है, 8. एक्स इज इक्वल टू एक्स बन गया. ए के सामने कौन है, 8. वैल्यू ऑफ ए क्या बन गई, 8 हो गई. एंड यहां पर एक्स को अब दोबारा देखने की जरूरत नहीं, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं. बी के सामने कौन है, 10. सो वैल्यू ऑफ बी क्या बन गई, 10. आपको लगेगा कि तो माइनस 10 था, मैंने 10 क्यों लिखा, यहां भी तो माइनस बी है. आप देखो माइनस बी इक्वल टू माइनस 10, समझिए माइनस बी इक्वल टू माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ बी कौन बच गया, 10, नॉट माइनस 10. ओके, अब सिर्फ एक ही काम करना है, इस आइडेंटिटी में लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में जिन वैल्यूज को हमने बना लिया है, फाइंड आउट कर लिया है, पुट कर दें एंड सॉल्व कर दें. ओके, सो देखिए क्या है, दिस इंप्लाइज एक्स मींस क्या होगा, एक्स प्लस ए कौन है बेटा, 8 पुट कर दें, इनटू एक्स कौन है, एक्स इटसेल्फ, एंड बी कौन है, 10 पुट कर दें, इक्वल टू एक्स स्क्वायर इटसेल्फ, नो चेंज एट ऑल. माइनस व्हाट इज ए वैल्यू ऑफ ए इज 8, माइनस की जगह माइनस, वैल्यू बी क्या है, 10, इनटू एक्स कौन है, एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय बी, ब्रैकेट में कर दीजिए 8 मल्टीप्लाइड बाय 10. हमने जहां जहां आइडेंटिटी के अंदर वेरिएबल्स थे उनको उनकी कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज के साथ रिप्लेस कर दिया है. ओके, एंड नाउ जस्ट डू द न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, देखिए क्या, इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 8 माइनस 10 क्या है, ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन करना है, इट बिकम्स माइनस 2 एंड इनटू एक्स माइनस 8 टेंजा क्या बना, 80, ये हमारे पास बना. नेक्स्ट स्टेप वो क्या है, एक्स स्क्वायर, ओपन दिस ब्रैकेट, फॉलो द बोडमेस रूल, माइनस माइनस प्लस. ओके, सो यहां से आपका बन गया प्लस 2x एंड माइनस 80 कंप्लीटेड. और लेफ्ट में आप फिर से रिपीट कर दें, किस क्वेश्चन की वैल्यू आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10, इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 80. ये है आइडेंटिटी को अप्लाई करके कोई भी टू लीनियर पॉलिनोमियल्स कह लीजिए, लीनियर फैक्टर्स कहिए, उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना. ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, इसी के अंदर देखो नेक्स्ट पार्ट यूज करते हैं. हम लोग लेने जा रहे हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4. देखिए क्या है, y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू y स्क्वायर माइनस 3/2, फिर से टू ब्रैकेट्स हैं, फिर से वही कंफ्यूजन, वेदर वी हैव टू यूज x प्लस a इंटू एक्स माइनस बी और वी हैव टू यूज a प्लस बी इंटू a माइनस बी. अब यहां पर चेक करें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, द वेदर दे आर सेम और डिफरेंट. y स्क्वायर फर्स्ट टर्म्स आर सेम, 3/2 सेकंड टर्म्स आर ऑल्सो सेम. इट मीन्स क्या हुआ कि नॉट ओनली x a एंड b बट यू कैन यूज a प्लस बी इंटू a माइनस बी आइडेंटिटी ऑल्सो. ठीक है, एक बात समझ जाइए कि x वाला फॉर्मूला किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है, लेकिन ab वाली आइडेंटिटी केवल तभी अप्लाई होगा जब दोनों ब्रैकेट्स की नॉट ओनली फर्स्ट बल्कि सेकंड टर्म भी क्या होगी, एग्जैक्टली सेम. ओके, तो यहां पर बिकॉज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है. ठीक है, इसको लेफ्ट में नहीं लिखा मैंने, दोनों ब्रैकेट्स को लेफ्ट में लिखा. क्या रीजन बोला था, जो भी साइड फॉर्मूले की जो भी साइड हमारे क्वेश्चन की शेप से मैच करती है दैट मस्ट बी रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ओके, एंड नाउ फाइंड आउट करें ए एंड बी की वैल्यूज क्या है. ए के सामने देखिए कौन है, वाई स्क्वायर, ए इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है. एंड बी के सामने देखिए कौन है, बी इज इक्वल टू 3/2. इट मीन्स हो गया कि आइडेंटिटी में आपने ए को वाई स्क्वायर से और बी को 3/2 से रिप्लेस करना है. अगर ऐसा है तो देखिए क्या बनता है, दिस इंप्लाइज ए वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू ए माइनस बी क्या बन गया, वाई स्क्वायर माइनस 3/2 विच इज इक्वल टू.
ए स्क्वायर, ए मीन्स हो गया वाई स्क्वायर एंड होल स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि हमने ए की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर पुट किया है और ऊपर जो स्क्वायर है वो तो फॉर्मूले का आइडेंटिटी का पार्ट है। माइनस वैल्यू बी क्या है, 3/2 एंड होल स्क्वायर एज इट इज। अब केवल आप इन ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करें, स्क्वायर्स को ओपन करें और एक्सपोनेंशियल रूल्स आपको फॉलो करना है। देखें क्या है, वाई पावर के ऊपर पावर है, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 2 क्या बन गया 4, माइनस 3 square 9 एंड डिनोमिनेटर 2 square क्या बना 4, कंप्लीट हो गया। ये छोटा सा क्वेश्चन है, अदर पार्ट्स यू विल ट्राई योर सेल्फ, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन के अंदर। अब सेकेंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज का प्रोडक्ट आपको करना है। जहां पर 2 कांस्टेंट नंबर आपको गिवन है, उन कांस्टेंट नंबर्स का प्रोडक्ट जो आप लोअर क्लासेस में डायरेक्ट किया करते, अब आपने आइडेंटिटीज की हेल्प से उनको सोल्व करना है। लेकिन थोड़ा सा एक मेथड है जो कह लीजिए आपको ट्रिक टाइप में अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए उसमें क्या है, हमारे पास है 103 × 107, दिस इज पार्ट फर्स्ट। अब देखिए इसको कैसे करते हैं आइडेंटिटी की हेल्प से। आइडेंटिटी वाली कोई शेप हमें नजर आई नहीं रही, इट मींस क्या हुआ, हमें कुछ एफर्ट करना पड़ेगा, हमें अपनी तरफ से कुछ ऐसा करना है कि ये दोनों नंबर किसी न किसी आइडेंटिटी वाली शेप में कन्वर्ट हो जाएं। तो देखिए कैसे करते हैं, दिस 103 इट कैन बी रिटर्न 100 + 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 107 कैन बी रिटर्न 100 + 7, कोई भी बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा कोशिश करें कि आइडेंटिटी तभी बन पाएगी जब या तो फर्स्ट टर्म दोनों की सेम बने, और दोनों ही फर्स्ट भी और सेकंड भी सेम बनना अगर पॉसिबल है तो वो भी जरूर बनाइए। खैर, तो हमने 103 को क्या लिखा, 100 + 3, 107 को लिख दिया 100 + 7, आप इसको यूं भी लिख सकते थे 90 + 13 और 107 को 90 + 17, तब भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 103 को लिख सकते थे 110 - 7, 107 को 110 - 3, तब भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कौन सा पॉसिबिलिटी आपको यूज करनी चाहिए वो मैं बोलना चाहूंगा कि कोशिश करिए ऐसे नंबर लाइए कि जिनका आप जैसे स्क्वायर करेंगे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग तो स्क्वायर करना बहुत ईजी रहे, आपको कम से कम पेपर वर्क करना पड़े और कुछ कैलकुलेशन ऐसी हो कि जो आप डायरेक्ट ऑरल वे में कर पाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए मैंने 100 को प्रीफर किया, 90 को भी नहीं किया और 110 को भी प्रीफर नहीं किया। ओके, तो यहां से बिकॉज ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, x + a × x + b, दोनों ही ब्रैकेट में प्लस का साइन है, तो मैंने x वाली वो आइडेंटिटी यूज की जिसमें भी दोनों ब्रैकेट्स में प्लस के साइन है। और ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू x² + a + b × x एंड प्लस कौन है ab, ठीक है। अब फिर से वही x एंड a एंड b सब की वैल्यूज डिसाइड करें, x के सामने देखिए कौन है 100, तो x इज इक्वल टू 100 बन गया, a के सामने कौन है 3, देन a इज इक्वल टू 3 हो गया एंड b के सामने कौन है देखिए 7, सो b इज इक्वल टू क्या बना 7। आपको ये तीनों वैल्यूज अपनी आइडेंटिटी में अप्लाई करना है। तो दिस इंप्लाइज ये जो पार्ट हमारा क्या बन गया, x + a इट इज 100 + 3 मल्टीप्लाइड बाय x + b इट इज 100 + 7 इक्वल टू x² व्हाट इज x 100 इट बिकम्स 100 होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट वन + a + b, a इज 3, b इज 7, इट बिकम्स 3 + 7 एंड मल्टीप्लाइड बाय x क्या है 100 + a b, a मल्टीप्लाइड बाय b और वो क्या बन गया 3 × 7। हमने सभी तीनों वैल्यूज को पुट कर दिया है, अब जस्ट न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आप करें तो देखिए क्या बनता है, 100 स्क्वायर, क्यों मैंने 100 लिया, अब यहां से देखिए आप 1 स्क्वायर क्या बना 1, और आप 8th क्लास में करके आए, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 या 0s हैं और आप स्क्वायर करते हो तो नंबर ऑफ 0s विल बिकम डबल, तो यहां पर भी 2 0s का स्क्वायर करेंगे तो डबल होकर कितनी बन गई बेटा 4 0s। नेक्स्ट वन
प्लस 3 + 7 क्या बना 10 एंड 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 करते हैं तो क्या बन गया 1000 सो इट बिकम्स 1000 प्लस 3 7 जा क्या बन गया 21 ये 3 नंबर्स आ गए इनका एडिशन कर दें 10000 प्लस 1000 11000 प्लस 21 11021 सो इट बिकम्स इक्वल टू 11021 कंप्लीटेड ये हमारा प्रोडक्ट हो गया यूजिंग द आइडेंटिटी इसी के अंदर अगर और हम लोग जो पार्ट्स हैं उनके बारे में अगर बात करें तो देखिए आपके पास क्या है मैं शॉर्टकट में आपको लिख देता हूं हमारे पास है 95 मल्टीप्लाइड बाई 96 मैं आपको लिख के बता देता हूं फिर आप फॉलो कर लीजिएगा 90 + 5 मल्टीप्लाइड बाई 90 + 6 x + a x + b फॉलो करेंगे आप ओके नेक्स्ट वन पार्ट 3 जो आपको करना है उसमें क्या है 104 मल्टीप्लाइड बाय 96 जिसको आपको कैसे फॉलो करना चाहिए इट 104 कैन बी रिटन 100 + 4 मल्टीप्लाइड बाय 96 को क्या लिख सकते हैं इट इज 100 - 4 देखिए आप कुछ भी बनाइए कंडीशन एक ही होती मैथमेटिक्स में वैल्यू मस्ट रिमेन द सेम वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए बाकी आप जैसे मर्जी चेंज करें कोई प्रॉब्लम नहीं होती ओके एंड नाउ दिस इज a + b a - b क्योंकि दोनों फर्स्ट भी सेकंड भी दोनों टर्म सेम है या x + a x - b तो जहां फर्स्ट एंड सेकंड दोनों टर्म सेम हो तो मैं सजेस्ट करूंगा आप ए बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करें a + b a - b जहां केवल फर्स्ट सेम है सेकंड टर्म डिफरेंट है तभी आप x वाले फॉर्मूले में जाइएगा ओके तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2 अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अपने पास जो आइडेंटिटीज अप्लाई होने वाली हैं दैट इज a + b होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर एंड ऑल्सो a² - b² पार्ट फर्स्ट देखिए क्या है इट इज 9x² + 6xy एंड प्लस क्या है y² इस टाइप का क्वेश्चन आपने 8th क्लास में भी किए हैं आप याद करें ठीक है इनको कंबाइन करके फैक्टराइज करना इसके क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन भी यही है देखें आप जो इसमें बोला गया है वो यही है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज आपको फैक्टराइज करना है फैक्टर्स क्या होते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट की प्रोडक्ट की फॉर्म में किसी नंबर्स को लिख देना किसी भी नंबर के जितने भी छोटे से छोटे पार्ट बन सकते हैं बनाइए और उन सबको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दीजिए इट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन ओके सो यहां से आप देखिए आइडेंटिटी कैसे करते हैं अप्लाई जरा पहचानने की कोशिश करें तीनों नंबर पॉजिटिव हैं a² लास्ट में प्लस b² बीच में प्लस 2ab फर्स्ट एंड थर्ड टर्म पहचानिए किसी न किसी का स्क्वायर है ऐसा तभी होता है जब आप a + b होल स्क्वायर या फिर a - b होल स्क्वायर को ऐसे अप्लाई करते हो तो फर्स्ट एंड थर्ड लास्ट टर्म अगर आप पहले इनको सिंप्लीफाई कर लें देन यू कैन नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b दैट इज वी कैन राइट डाउन 9x² कैन बी रिप्लेस्ड बाय 3x होल स्क्वायर वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए जो मर्जी बनाइए तो हमने 9x² को क्या लिख दिया 3x होल स्क्वायर बच्चे जनरली क्या करते हैं 3x² इट इज 3x² पावर टू सिर्फ किस पर है x पर 3 पर नहीं तो अगर आप 3 एंड x दोनों पर पावर चाहते हैं ब्रैकेट यूज करें ओके बीच वाले स्पेस को खाली छोड़ेंगे प्लस y² कैन बी रिटन y होल स्क्वायर ठीक है अब ये क्या बनने वाला है वैल्यू ऑफ a ये क्या बनने वाला है वैल्यू ऑफ b अगर a एंड b ये है तो बीच में जो हमारे पास आइडेंटिटी वाला बाकी पार्ट रह गया वो क्या किया जाए तो वो बन गया आपका प्लस की जगह प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ a कौन है 3x मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ b कौन है y एंड ब्रैकेट क्लोज्ड अगर आपकी a एंड b की वैल्यूज करेक्ट हैं तो आप कैसे वेरीफाई करें बीच में जहां आपने a एंड b की वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया है 2ab वाले फॉर्मेट के लिए आप तीनों को मल्टीप्लाई करके चेक करें अगर ये प्रोडक्ट 6xy के इक्वल हो जाता है इट मींस योर वैल्यूज आर करेक्ट अगर ऐसा नहीं होता तो फिर चेक करें कि कहां मिस्टेक हुई है तो देखिए 2 3 जा 6
एक्स वाई यही तो है. इट मीन्स वी आर डूइंग करेक्टली. ओके एंड नाउ बिकॉज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर ये होता है. तो आप यहां से रिलेट करें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 3x वैल्यू ऑफ बी y. जहां जहां आपको a एंड b नजर आते हैं उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को रिप्लेस करते चलिए एंड सॉल्व कर दें बाय डूइंग द न्यूमेरिकल कैलकुलेशन. देखिए क्या बनता है. इट इज इक्वल टू a मींस क्या था बेटा 3x प्लस b क्या है y एंड इट्स होल स्क्वायर. और हमने बोला फैक्टराइजेशन मींस किसी भी नंबर के स्मॉलेस्ट पार्ट के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना जैसे एक्सपोनेंशियल रूल्स में होता है. एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू टाइम्स. यहां पर भी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है. इट मींस दिस बेस 3x प्लस y कैन बी रिटन टू टाइम्स. ओके सो इट विल बी इक्वल टू 3x प्लस y इंटू 3x प्लस y कंप्लीटेड. ठीक है. और ये किसका फैक्टराइजेशन हुआ उस फर्स्ट लाइन को क्वेश्चन को आप लास्ट में जरूर से रिपीट कर दें. देयरफॉर वी कैन राइट डाउन 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू लीनियर फैक्टर्स. ओके ये आपका था पार्ट नंबर फर्स्ट. कुछ इसी टाइप का सेकंड पार्ट है वो आप खुद से ट्राई करेंगे और जो पार्ट नंबर 3 है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. तो देखें क्या है थर्ड पार्ट. क्वेश्चन नंबर 3 यही सेम और इसके जो थर्ड पार्ट है उस पर हम लोग चलते हैं. देखिए क्या है. वी हैव टू फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100. ओके तो ये हमने लिख दिया थर्ड पार्ट वाला क्वेश्चन. अब इसको फैक्टराइज करना है तो इसमें आप एक काम कर सकते हो एक लाइन छोड़कर पहले आइडेंटिटी मेंशन कर लें अगर आप समझ गए हैं. जैसे मैं स्पेस खाली छोड़ता हूँ वहाँ भी कर सकते थे. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये मैंने आइडेंटिटी को मेंशन कर दिया. अब ए कौन है और बी कौन है आप यहां से फाइंड आउट करें. दिस एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एक्स होल स्क्वायर माइनस दिस वाई स्क्वायर अपॉन 100. वाई स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ वाई. 100 इज द स्क्वायर ऑफ 10. सो वी कैन राइट डाउन वाई अपॉन 10 एंड इट्स अ होल स्क्वायर. ओके सो अब आप इस आइडेंटिटी को ये मैंने जानबूझ के देखो एक लाइन मैंने खाली छोड़ा था अब इसको मैंने फिल कर दिया. अब उसके बाद ये आइडेंटिटी आ गई. अब यूं लगेगा कि आपने कॉन्टिन्यूसली किया है जबकि पहले हमने आइडेंटिटी लिखा जिसके अकॉर्डिंग हमें पता लगा कि वी नीड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. ओके एंड नाउ व्हाट इज ए. ए के सामने देखिए कौन है एक्स बेस में. बी के सामने देखिए कौन है वाई बाय 10. सो ए एंड बी को उनकी वैल्यू से रिप्लेस करते हैं. इक्वल के नीचे इक्वल लगाने की हैबिट डालिए. ए एक्स प्लस बी वाई बाय 10 इंटू ए एक्स माइनस बी वाई बाय 10 एंड इट इज कंप्लीटेड. और जो फर्स्ट लाइन है उसको आप लास्ट में रिपीट कर दें. देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 कैन बी फैक्टराइज्ड लाइक द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू. ओके सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2.5 चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल्स क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी बुक हमने डिस्कस किया. ओके सो नेक्स्ट वीडियोस में लेकर के आऊँगा उसमें बाकी आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. यहाँ तक कि आप बहुत अच्छे से कंप्लीट करें. ऑल द बेस्ट.